वेल well, ब्रह्मास्त्र जो है रिलीज होकर एक पूरा हफ़्ता हो चुका है परसों से नया हफ्ता शुरू हुआ है सेकेंड वीक यानी फ्राइडे का दिन और फिर सैटरडे बल well, फ्राइडे के दिन हमने देखा कि किस तरीके से डबल डिजिट में कमाई हुई है इस मूवी की और सैटरडे को भी काफ़ी अच्छी कमाई होती हुई नज़र आ रही है ये कमाई को देखकर शायद रणबीर आलिया को बहुत बड़ा झटका लगेगा कि बॉस ये क्या हो रहा है चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ हो रहा आप देख रहे हैं फीफा फूज में हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वंगी कर्ण बता दें कि कश्मीर फाइल्स की जो मोटी तगड़ी कमाई है इस साल की एक तो द कश्मीर फाइल हिट मूवी रही है दूसरी जो मूवी रही है वो है भूल भुलैया टू इनके अलावा अगर बात करें गंगूबाई काठियावाड़ की तो ये मूवी डिसेंट बिजनेस करते हुए नज़र आई लेकिन ये जो नंबर्स है द कश्मीर फाइल्स और आ, आ, भूल भूला या टू इसे अभी तक किसी ने बीट नहीं किया बिकॉज सारी ही मूवी कम्पलीटली फ्लॉप जा रही थी ब्रह्मास्त्र ने अब उनके नंबर को भी क्रॉस करना तय कर लिया है और काफ़ी अच्छी कलेक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको बता दें रणबीर आलिया के ब्रह्मास्त्र ने जो है सेकेंड वीकेंड की शुरुआत काफ़ी हाई नोट पे की है आपको बता दें कल के दिन जो कमाई रही है इट वाज अराउंड uh, सिक्सटीन करोड़ जी हाँ साढ़े पंद्रह से सोलह करोड़ के बीच जो है कमाई हुई है ब्रह्मास्त्र पाठवन शिवा की कल के दिन यानी सैटरडे के दिन आपको बता दें कि फिफ्टी फाइव uh, परसेंट अप्रोक्सीमेटली जंप हुआ है फ्राइडे से सैटरडे के कलेक्शन के बीच संडे का कलेक्शन और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी के दिन होते हैं और ये दो दिन सबसे ज्यादा कमाई होने के सबसे हाई चांसेस होते हैं आपको बता दें फिलहाल जो टोटल कलेक्शन है वन सेवन बताया जा रहा है और संडे के कलेक्शन को मिलाने के बाद दो करोड़ की एंट्री कर लेगा हिंदी लैंग्वेज में भूल भूल भूलिया और द कश्मीर फाइल्स को बीट करने की तैयारी कर रहा है ब्रह्मास्त्र और संडे का यानी आज के दिन का कमाई के बाद काफ़ी बढ़िया नंबर जो है ये मूवी अपनी तरफ से कलेक्ट करती हुई नज़र आ रही है आपको बता दें कि अगर इस मूवी की बात करें तो ये काफ़ी बढ़िया चल रही है स्टार्टिंग में इसे काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ मिलते आए पहले तो इसे बॉयकॉट करने की काफ़ी बातें हो रही थी कि मूवी देखनी नहीं बॉयकॉट करना है फिर धीरे धीरे लोग देखने लगे देखने के बाद भी कुछ लोगों को ये मूवी बिल्कुल रास नहीं आई किसी का कहना था कि इसमें आलिया के क्रेंस डायलॉग्स हैं तो कोई कह रहा है इसमें लव स्टोरिया जो है जिस तरीके से केसरिया को लव स्टोरिया ने खराब कर दिया है तो वैसे इस मूवी को भी लव स्टोरिया नहीं ही खराब कर दिया और आ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस मूवी को लिटरली कहा कि नो वी के लिए बस पैसे दे रहे हैं कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट काफ़ी पसंद आया है एंड दे आर होपफुल कि पार्ट टू जो है जो बहुत जल्द बनने वाली है आर मुखर्जी ने इसको कंफर्म भी किया है पार्ट टू ब्रह्मास्त्र पार्ट टू देव बनने वाली है uh, और उसको लेकर अभी से ही एक्साइटमेंट है फैंस जो है थियोरीज भी बना रहे हैं थियोरीज भी यू uh, नो you know, बन रहे हैं कि आखिर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता इन सारे चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र वन का और हाइप बढ़ रहा है और आज डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और भी ज़्यादा आसमान छूते हुए नजर आ सकते हैं क्या है आपको है ना इस पर लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एल्स हो